निकाय में मिशन 700 के साथ साथ भाजपा ने अपना सारा फोकस लखनऊ में टारगेट 100 पर लगा रखा है। लखनऊ की हर एक सीट पर कड़ी लड़ाई होनी है, भाजपा के साथ साथ पूरे विपक्ष की लखनऊ पर नजर है। ऐसे में इस बार इन भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में विजय पताका फहराने के लिए भाजपा ने मिशन 100 वाला प्लान बनाया है, जिसके तहत भाजपा दूसरे दलों में सेंधमारी का प्लान तो बना रही है, साथ ही भाजपा की निगाह लखनऊ के करीब 2 दर्जन मुस्लिम बाहुल्य वार्ड्स पर भी है। दरअसल राजधानी लखनऊ में कुल 110 वार्ड हैं, जिनमें से 2017 के निकाय चुनाव में 21 मुस्लिम पार्षदों ने बाजी मारी थी। इन 21 में से 10 सपा, 2 कांग्रेस के पार्षद थे। भाजपा की तरफ से सिर्फ 1 मुस्लिम पार्षद ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में मिशन 100 के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। निकाय चुनाव ऐलान होने के बाद से भाजपा लगातार इसके संकेत भी दे रही है। 5 अप्रैल को अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के इस बयान से सारी बात साफ हो जाएगी कि मुस्लिम समाज ने भी अब ये ठान लिया है कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी मुस्लिम समाज की तालीम की तरक्की की बात करेगा, मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा होगा। हालांकि इस बार कई वार्ड ऐसे भी हैं जिनका क्षेत्र बदलने से कुछ पुराने वार्ड या तो दूसरे में मिल गए हैं या उन्हें खत्म करके नया वार्ड बनाया गया है, जिस वजह से लखनऊ का समीकरण बदला हुआ जरूर दिखेगा। रामपुर के स्वार सीट पर 10 मई को उपचुनाव होना है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। प्रत्याशी को लेकर भाजपा और अपना दल के बीच रस्साकशी देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और अपना दल गठबंधन में ये सीट अपना दल को दी गई थी और अपना दल प्रत्याशी नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और समाजवादी पार्टी के अब्दुल्ला आजम यहां से चुनाव जीत गए थे। अब यहां उपचुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा और अपना दल के बीच प्रत्याशी को लेकर असमंजस बरकरार है। हालांकि पिछले चुनाव के प्रत्याशी हमजा मियां इस बार बड़ी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे जो वोट मुझे मिले थे जी, अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है और मौका दिया जाता है, तो मेरा मानना है कि ये जीत मैं एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त कर सकता हूँ स्वार में। आपकी बात। अपना दल के नेता और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल स्वार में लगातार मंथन में जुटे हैं। हालांकि अभी अपना दल खुलकर दावा नहीं ठोक रहा है। जो भी प्रत्याशी होगा, एक्स वाई जेड कोई भी होगा, वो तीनों पार्टियां मिलकर के तय करेंगी और संयुक्त रूप से उसको लड़ाया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले मुरादाबाद की विशेष अदालत ने 15 साल पुराने मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उमेश पाल मोजू केस का आरोपी माफिया अतीक अहमद शाम तकरीबन 6 बजे प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा। उमेश पाल हत्याकांड केस में कल उसे CJM कोर्ट में पेश किया जाएगा। साबरमती टू प्रयागराज तक जेल यात्रा के दौरान एक बार फिर से मीडिया से बात करते हुए माफिया अतीक अहमद ने डर का इजहार किया। अतीक ने कहा कि सरकार उसके परिवार को मिट्टी में मिला चुकी है, मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। खून हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में तो मिल गया। माफिया अतीक अहमद पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की दिनदहाड़े घर के बाहर गोली बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत पूरे परिवार को पुलिस ने नामजद किया है। इस हत्याकांड के मामले में पुलिस सबूत जुटा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अतीक अहमद से पूछताछ करने के लिए MP MLA कोर्ट में 1 सप्ताह पहले वारंट बी के तहत अर्जी दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।